मणिपुर में दूसरे चरण का मतदान जारी, 22 सीटों पर पड़ रहे वोट, अर्धसैनिक बलों की 300 से ज्यादा कंपनियां तैनात। यूपी में आखिरी चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन, काशी में डटे हैं पीएम मोदी, पूर्वांचल में अखिलेश समेत दिग्गज दिखा रहे दम। अयोध्या में डीएम आवास के बोर्ड का रंग बदलने के मामले में एक्शन, पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर पर गिरी गाज, वाद बढ़ने के बाद दोबारा बदला गया था बोर्ड का रंग। भारत ने यूक्रेन की ओर बढ़ाए मदद के हाथ, वायुसेना के दो विमानों से भेजी गई राहत सामग्री, फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा की बढ़ सकती है मुश्किलें, मोहसिन रजा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, आज अदालत में पेश करने का आदेश। पाकिस्तान बॉर्डर पर गर्जेंगे राफेल, जैसलमेर में आज होगा एयरफोर्स का वायु शक्ति युद्धाभ्यास, 140 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेंगे हिस्सा। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी आप, आज प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से फाइनल आवेदन के लिए जाएंगे, बजट सत्र में भी प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता। देश में घटी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5921 केस दर्ज, 289 लोगों ने तोड़ा दम। मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन खेल शुरू, दोनों टीम के खिलाड़ियों ने शेन बॉर्न और रोडनी मार्श को दी श्रद्धांजलि, दोनों का 4 मार्च को हुआ निधन। मौसम ने बदला मिजाज, दिल्ली में चली तेज हवाएं, हिंद महासागर के ऊपर बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, परमाणु आतंक का सहारा ले रहा रूस, यूक्रेन ने जर्मनी से मांगे हथियार, कहा टैंक पनडुब्बी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर दें। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन से बाहर करने के नाटो के फैसले की निंदा की, अमेरिका बोला यूक्रेन में नो फ्लाई जोन यूरोप में बड़े संघर्ष की वजह बन सकता है। पाकिस्तान की मस्जिद में ब्लास्ट, इस्लामिक स्टेट ने ली पाकिस्तान में मस्जिद विस्फोट की जिम्मेदारी, 30 लोगों ने गवाई थी जान। इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन ने रूस और बेलारूस के एथलीट्स को किया प्रतिबंध, कहा हमला करने वाले देश का नहीं देंगे साथ। शेन बॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन, थाईलैंड में संदिग्ध हार्ट अटैक से मृत्यु, फैंस ने जताया शोक। यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस ने देश के अंदर फेसबुक को किया ब्लॉक, ट्विटर पर भी लगाया बैन, कहा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। मेटा ने रूस यूक्रेन के यूजर्स के लिए बदली फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेटिंग, अब यूजर्स को मिलेंगे नए ऑप्शंस। रूस को मोबाइल और चिप की सप्लाई नहीं करेगी सैमसंग कंपनी, एप्पल समेत कई कंपनियों ने रूस पर लगाए हैं प्रतिबंध। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से फिर शुरू होगी हम सफर एक्सप्रेस, उदयपुर से दिल्ली के यात्रियों को मिलेगी राहत। 3 महीने में 57% चढ़ा क्रूड का दाम, दिसंबर से नहीं बढ़ी डीजल पेट्रोल की कीमत, चुनाव के बाद हो सकता है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।